हेलो स्टूडेंट्स, विक्टोरियन राइटर्स की सीरीज़ का पार्ट नंबर 21 करने वाले हैं, जिसमें हम आज जोन रस्किन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने विक्टोरियन राइटर्स की सीरीज़ के पहले 20 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। हमने इससे पहले 20 राइटर्स कवर किए हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, वी एस अकेडमी वर्षा शर्मा पर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जॉन रस्किन का लाइफ स्पेन था 1819 से लेकर 1900 तक, और ये इंग्लिश राइटर हैं, फिलोसोफर हैं और साथ में आर्ट क्रिटिक। और इन्होंने ना सभी सब्जेक्ट्स पर लिखा, इसलिए इन्हें पॉलीमैथ ऑफ द विक्टोरियन एरा भी कहा जाता है। इन्होंने जियोलॉजी, आर्किटेक्चर, मिथ्स, लिटरेचर, ऑर्निथोलॉजी, एजुकेशन, बॉटनी एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी, इन सभी सब्जेक्ट्स पर लिखा था। और जो जॉन रस्किन हैं, इनको इन्फ्लुएंस किया था बायरन ने, कार्लिल ने, डेंटे, एमर्सन, कीट्स, प्लेटो, पोप, स्कॉट, शेक्सपियर, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ, इन सब से ये इन्फ्लुएंस हुए थे। ये सभी इंग्लिश राइटर्स हैं और इन्होंने जिनको इन्फ्लुएंस किया उनमें नाम है, जितने भी अमेरिकन प्री रेफलाइट्स थे वो सब इनसे इंस्पायर हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे। गांधी जी, मॉरिस और प्री रेफलाइट्स, ये सब इनसे इंस्पायर हुए थे। जॉन रस्किन रोट एसेज, एंटरटाइजेज, पोइट्री एंड लेक्चर्स, ट्रेवल गाइड्स एंड मैनुअल्स, लेटर्स एंड इवन अ फेयरी टेल। जो जॉन रस्किन थे उन्होंने एसेज लिखे, निबंध लिखे, पोइट्री लिखी, लेक्चर्स और जो ट्रैवल गाइड्स होते हैं उन पर भी लिखा, मैनुअल्स लिखे और इन्होंने लेटर्स भी लिखे। मीन्स इन्होंने हर एक चीज़ पर लिखा था, हर एक सब्जेक्ट पर, और हर तरह की राइटिंग इन्होंने की। एंड इवन अ फेयरी टेल, इन्होंने एक फेयरी टेल भी लिखी थी। ही ऑल्सो मेड डिटेल्ड स्केचेज एंड पेंटिंग्स ऑफ रॉक्स, प्लांट्स, बर्ड्स, लैंडस्केप्स, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्नामेंटेशन। इसके साथ ही इन्होंने डिटेल्ड स्केचेस एंड पेंटिंग, मतलब इन्होंने ना स्केचेस और पेंटिंग्स भी बनाए थे रॉक्स के, प्लांट्स के, बर्ड्स के, और ये सब दिए गए हैं, इन सब के इन्होंने पेंटिंग्स और स्केचेस भी बनाए थे। रस्किन वॉज ह्यूजली इन्फ्लुएंशियल इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी एंड अप टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये बताया गया है कि जो रस्किन थे ना वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे जो 19th सेंचुरी के लास्ट पार्ट में, लेटर हाफ में, और जो वर्ल्ड वॉर था उसके फर्स्ट उसमें। रस्किन रोट ओवर 250 वर्क्स, रस्किन ने लगभग 250 वर्क लिखे। रस्किन्स लेक्चर्स वर ऑफन सो पॉपुलर दैट दे हैड टू बी गिवन ट्वाइस, वंस फॉर द स्टूडेंट्स एंड अगेन फॉर द पब्लिक, मोस्ट ऑफ देम वर इवेंचुअली पब्लिश्ड। और जो जॉन रस्किन हैं उनके लेक्चर्स इतने ज़्यादा पॉपुलर होते थे कि उन्हें दो बार दिया जाता था, एक बार तो स्टूडेंट्स के लिए और दूसरी बार पब्लिक के लिए। और जो ज़्यादातर इनके लेक्चर्स हैं वो पब्लिश्ड भी कराए गए हैं। रस्किन डेवलप्ड अ ग्रेट पैशन फॉर द वर्क ऑफ जे एम डब्ल्यू टर्नर। जो रस्किन हैं वो जो जे एम टर्नर हैं उनके वर्क्स को में, मतलब उनको पसंद थे। हिज फर्स्ट मेजर वर्क मॉडर्न पेंटर्स वर रिटन इन डिफेंस ऑफ टर्नर आफ्टर रिव्यूअर्स ऑफ द एनुअल रॉयल अकेडमी एग्जीबिशन सेविजली ट्रीटेड टर्नर्स वर्क्स। जो जॉन रस्किन हैं वो जे एम डब्ल्यू टर्नर हैं, उनके वर्क्स को वैसे ही पसंद करते थे। तो जो ए जे एम टर्नर हैं इनके ना, इनके डिफेंस में इन्होंने एक वर्क लिखा था मॉडर्न पेंटर्स, और ये इसलिए लिखा था कि ना जो रिव्यूअर्स थे ना एनुअल रॉयल अकेडमी एग्जीबिशन में, उन्होंने ना बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया था टर्नर के वर्क्स को, तो इसके वजह से इन्होंने यह वर्क लिखा था उनके डिफेंस में। In 1843, रस्किन published the first volume of Modern Painters. 1843 में रस्किन ने पहली वॉल्यूम पब्लिश कराई थी मॉडर्न पेंटर्स की, अ बुक दैट वुड इवेंचुअली कंसिस्ट ऑफ 5 वॉल्यूम्स एंड ऑक्यूपाई हिम फॉर द नेक्स्ट 17 ईयर्स।
और जिनकी 5 वॉल्यूम्स होनी थी उसकी। जोन रस्किन का जो यह वर्क था मॉडर्न पेंटर्स, इनकी फर्स्ट जो वॉल्यूम थी वो 1843 में पब्लिश हुई थी, जिसमें टोटल 5 वॉल्यूम्स थी जो आगे उन्हें ऑक्यूपाई रखती है नेक्स्ट 17 ईयर्स के लिए। एंड आफ्टर हिज डेथ रस्किन्स वर्क्स वर कलेक्टेड इन दी 39 वॉल्यूम लाइब्रेरी एडिशन कम्प्लीटेड इन 1912 बाई हिज फ्रेंड्स एडवर्ड चार्ल्स कुक एंड एलेक्जेंडर वेडरबर्न। और इनकी डेथ के बाद जो रस्किन के सारे वर्क्स हैं वो कलेक्टेड किए गए थे 39 वॉल्यूम में लाइब्रेरी एडिशन में, जो कि 1912 में कंप्लीट किया गया था उनके फ्रेंड्स के द्वारा। ये इनके फ्रेंड्स के नाम हैं एडवर्ड टियास कुक एंड एलेक्जेंडर वेडरबर्न। जो जॉन रस्किन है उन्होंने शादी की थी एफी ग्रे से, और डेडिकेट की भी किया था इनको एक नोवेल द किंग ऑफ द गोल्डन रिवर टू हर। ये इनकी जो वाइफ थी एफी ग्रे उसको डेडिकेट किया था इन्होंने नोवेल 1848 में। एंड हाउ एवर दे लेटर सेपरेटेड इन 1854, और ये 6 साल बाद ही 1854 में सेपरेट हो गए, अलग हो गए। एंड ही फेल इन लव अगेन विद रोजा लिटोच, बट आफ्टर शी डाइड ही सफर्ड एन अटैक ऑफ मेंटल इलनेस एंड डिस्पाइट सेवरल अबाउट ऑफ मेंटल इलनेस। अब ये इनसे सेपरेट हो गए 1854 में, इनको दोबारा से प्यार हो जाता है रोजा लिटोच से, और इसके बाद वो मर जाती हैं। तो जो ये जॉन रस्किन होते हैं ये मेंटली इल हो जाते हैं। रस्किन वॉज एबल टू कम्प्लीट द आर्ट ऑफ इंग्लैंड इन 1884 एंड दिस वॉज फॉलोड बाई द स्टॉर्म क्लाउड ऑफ द 19th सेंचुरी। और जो जॉन रस्किन होते हैं वह है अपना आर्ट ऑफ इंग्लैंड कंप्लीट करते हैं 1884 तक, और यह जो द स्टॉर्म क्लाउड है उसके बाद फॉलोड किया गया था, लिखा गया था। ही ऑल्सो बिगेन वर्क ऑन हिज ऑटोबायोग्राफी, इन्होंने अपनी बायोग्राफी पर भी लिखा था, लिखना शुरू कर दिया था, और यह इनकी बायोग्राफी है प्रोटेरिटा आउटलाइन ऑफ सीन्स एंड थॉट्स पर हैप्स वर्दी ऑफ मेमोरी इन माई पास्ट लाइफ, ये इसका टाइटल था। जॉन रस्किन के जो अदर नोटेबल वर्क्स हैं, मीन्स इनके जो मोस्ट नोटेबल वर्क्स हैं वो ये हैं मॉडर्न पेंटर्स, द 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर, द स्टोन्स ऑफ वेनिस 3 वॉल्यूम्स, अनटू दिस लास्ट 4 स्क्लेविग्रा एंड प्रेटेरिटा। तो आज की वीडियो में हमने जॉन रस्किन के बारे में पढ़ा कि जो जॉन रस्किन हैं ये इंग्लिश राइटर हैं, फिलोसोफर हैं, आर्ट क्रिटिक हैं, और इन्होंने सभी टॉपिक्स पर लिखा, सभी सब्जेक्ट्स पर लिखा, चाहे वो जियोलॉजी हो, लिटरेचर हो, एजुकेशन हो, पॉलिटिकल इकोनॉमी हो या बॉटनी हो। और ये इन्फ्लुएंस्ड थे शेक्सपियर, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ जैसे राइटर्स से, और उन्होंने इन्फ्लुएंस किया गांधी, मॉरिस और प्री रेफलाइट्स को। और इन्होंने ना निबंध भी लिखे, एसेज लिखे, पोइट्री लिखी, लेक्चर्स लिखी, इवन इन्होंने एक फेरी टेल भी लिखी थी और ट्रैवल गाइड्स भी लिखी। और इनका जो जॉन रस्किन है इन्होंने स्केचेस एंड पेंटिंग्स ऑफ रॉक्स प्लांट्स बर्ड्स ये भी की थी। रस्किन ने लगभग 250 से भी ज़्यादा वर्क्स लिखे थे, और इनके जो लेक्चर्स होते थे इतने ज़्यादा पॉपुलर होते थे कि इनके जो ऐसे हैं, पहले तो वह स्टूडेंट्स को के लिए होते थे, सेकेंड पब्लिक के लिए इन्हें 2 बार देने पड़ते थे, और मोस्ट ऑफ देम वर इवेंचुअली पब्लिश्ड। जॉन रस्किन जो JMW टर्नर के को प्रेज़ करते थे, इनमें उनके लिए पैशन था, इसलिए वो जब उनका अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है एग्जीबिशन में, एक एग्जीबिशन के दौरान, तो उनके डिफेंस में ये एक वर्क लिखते हैं मॉडर्न पेंटर्स। और 1843 में मॉडर्न पेंटर्स की पहली वॉल्यूम आई थी। और जब जॉन रस्किन की डेथ हो जाती है तो इनके जो वर्क्स होते हैं इनके फ्रेंड्स के द्वारा कलेक्टेड किए जाते हैं लाइब्रेरी एडिशन में। इनकी शादी होती है एफी ग्रे से पहले, बट बाद में जब ये सेपरेट हो जाते हैं तो इनका दोबारा से प्यार हो जाता है रोजा लिटोच से। और जब वो इनकी सेकंड जो लवर होती है, बिलविड होती है, जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये मेंटली इल हो जाते हैं। और इन्होंने ना 1884 में कंप्लीट किया था द आर्ट ऑफ इंग्लैंड, और जो कि फॉलोड किया गया था द स्टॉर्म क्लाउड ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है, 1855 में द स्टॉर्म क्लाउड और 1884 में आर्ट ऑफ इंग्लैंड।
उन्होंने अपनी बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी पर भी काम करना शुरू कर दिया था। और इनके नोटेबल वर्क्स ये हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में अपने फीडबैक्स ज़रूर देना। थैंक यू।